पैसे का है लोकतंत्र और पैसे में दरबार भी का। इतिहास साक्षी है प्रकृति के हाथों सबका मूल्य चुका। एक द्रौपदी के चीरहरण में सारे दरबारी मौन रहे। पुत्र भो ऊपर था सबसे दंड विधान गौन रहे। मौन शब्दों ने चढ़ बाणों पर भीष्म को सारा बीज दिया। मौन शब्द ने दुस्शासन की छाती का भी लहू पिया। मौन प्रकृति रौद्र रूप में पर्वत को खा जाती है, सूरज को ढक लेती है, अंबर पर छा जाती है। मौन रहे दरबारों को देव बचा नहीं पाते हैं। सुन कृष्ण बन सारथी उनका संहार कराते हैं। मणिपुर की घटना को किन अर्थों में बोला जाए। मोह माया का पलड़ा भारी न्याय कहाँ तोला जाए। द्वापर में श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। भगवान भरोसे भक्त का चीर खत्म न होने पाया था। लोकतंत्र भरोसे आज चीर सरेआम बिक जाते हैं। न्याय के मंदिर में समय की खूंटी पर टंग जाते हैं। हे कृष्ण भले ही कलयुग हो पर इतनी कृपा हो जाए। किसी नारी का फिर से चीर उतरने न पाए। राजस्थान की परिपाटी में लोकतंत्र शर्मिंदा है। कभी करौली कभी जोधपुर बस हैवानियत जिंदा है। आरोप प्रत्यारोपों का खेल बड़ा ही गंदा है। गर पिता आप स्वयं उस पुत्री के क्या फिर भी आत्मा जिंदा है। दामन गंदे हैं सबके क्या रखा मुंह दिखाने को। ये चीर हरण है लोकतंत्र का कुर्सी को हथियाने को। ये चीर हरण है उन कलमों का जो एक पक्ष की बात लिखे। बिका हुआ है हर नेता बस इंसानियत फिर कहाँ दिखे। कभी हिंदू कभी मुसलमान हैवानियत पर भारी है। पर जिसका रेप हुआ है सोचो वो तो केवल नारी है। वो तो केवल नारी है। सेंसर बोर्ड भी फिल्मों में ये गंदा खेल दिखाता है। कलाकार की आजादी के नाम पे सब बिक जाता है। चुपके चुपके हम इन कुसंस्कारों को अपने में भर लेते हैं। ये कुविचार ही बुद्धि के किसी कोने में घर कर लेते हैं। पर मैं तो कलमकार हूँ किसी की आजादी पर अधिकार नहीं। रुदन कलम से लिख सकता हूँ वेदना निराधार नहीं। समय तुला पर हर एक वो दंड का भागीदारी है। दरबार बड़ा उस ईश्वर का सबकी चुन चुन कर बारी है। शर्मसार धरती माता है किसी कोने में रोती होगी। माँ की ममता गरीब हुई पर इल्जाम किसे देती होगी। जो भाल चमकता भारत का सिसक सिसक रोता होगा। नदियां आंसू पीती होंगी संविधान सोता होगा। भीख चुकी रे रो रो कर आंखों में प्रश्न उबलता है। क्या पुत्री होना जुर्म यहाँ सब पुरुष प्रधान ही चलता है।